द्विवेदी और आप देख रहे हैं द खबरी बाबू। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यूज की हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। आइए खबर जानते हैं विस्तार से। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अनुपमा पाठक ने सुसाइड कर लिया। अनुपमा ने सुसाइड करने से पहले फेसबुक पर लाइव आई और सुसाइड का कारण बताया। अनुपमा ने मुंबई में स्थित अपने फ्लैट पर सुसाइड किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस अनुपमा पाठक के सुसाइड के बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अनुपमा ने सुसाइड से पहले वीडियो में जिस शख्स और कंपनी का नाम लिया था उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अनुपमा जिस दहिसर पूर्वी में किराए के घर में रहती थी वहां से पुलिस को एक सुसाइड भी बरामद हुआ है। बिहार की रहने वाली थी अनुपमा। अनुपमा के सुसाइड के बाद कश्मीरा पुलिस जांच में जुट गई है। अनुपमा बिहार के पूर्णिया जिले की रहने वाली थी। वह सिंगर के साथ साथ कई फिल्मों में अलग अलग भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वह कुछ सीरियल में भी काम की थी। अपनों ने दिया धोखा। अनुपमा कई दिनों से तनाव में थी। अनुपमा ने फेसबुक पर कई बातें पोस्ट की है। उससे लगता है कि उसे किसी अपने लोगों ने ही धोखा दिया था जिसे कारण वह परेशान चल रही थी। सुसाइड से पहले फेसबुक पर अनुपमा ने बाय बाय और गुड नाइट लिखा था। आर्थिक स्थिति हो गई थी खराब। अनुपमा के बारे में बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। जिन लोगों ने अनुपमा से कुछ पैसे लिए थे वह भी मुश्किल की घड़ी में नहीं दे रहे थे जिससे अनुपमा परेशान रहती थी। फेसबुक लाइव आकर बताया दर्द। सुसाइड से पहले अनुपमा ने फेसबुक पर लाइव आई और सुसाइड करने का कारण भी बताया। वीडियो में अनुपमा कह रही हैं कि दो वजह है जिसके कारण मैं यह कदम उठा रही हूँ। मनीष झा ने मेरा दो पहिया वाहन मई के महीने में लॉकडाउन के दौरान लिया था। जब मैं मुंबई वापस आई तो मनीष ने मुझे वह वाहन लौटाने से इनकार कर दिया। दूसरी वजह मैं अनुपमा बताती हूँ कि मैंने एक प्रोडक्शन कंपनी विजडम प्रोड्यूसर कंपनी में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे। मैंने ऐसा अपने एक दोस्त के कहने पर किया था।